ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, ये तो हमने कर लिया। उसके बाद जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो ये है कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में कैसे पूछते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो मैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट बुक ओपन करता हूँ, ये है आपकी टेक्स्ट बुक। अभी टेक्स्ट बुक में से मैंने सब कुछ आपको नहीं करवाया है, हम लोग कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, लेकिन जो मैं आपको अब तक सिखाया वो है बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। अभी टेक्स्ट बुक में आपको थोड़ा अलग तरीके से भी पूछा गया है, जैसे मैंने पढ़ाया वैसे तो पूछा ही गया है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये एक क्वेश्चन है, अच्छा बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन की आपके टेक्स्ट बुक में दो मेथड है, अब तक मैंने आपको एक ही मेथड सिखाई है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। उसका नाम क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और वो लोग भी पांच स्टेप में कर रहे हैं, हम लोग भी पांच स्टेप में कर रहे हैं, सो नो इश्यूज। थोड़ा सा उनका कंसेप्ट सेम है, करने का तरीका भी सेम ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे होगा और कुछ नहीं है, बट अल्टीमेटली सेम ही आएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा है, राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 विद सोडियम सल्फाइड। बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट करो, सोडियम सल्फाइड Na2SO3 है, इन एन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम दे रखा है, टू गिव क्रोमियम 3 आयन, क्रोमियम 3 आयन दिया है याद रखना, एंड सल्फेट आयन। तो आपको ये वर्ड में दे देते हैं, तो सबसे पहले हमें इसका रिएक्शन लिखना जरूरी होता है। स्टेप वन से पहले जो क्वेश्चन अब तक मैं देता आया हूं वैसे क्वेश्चन नहीं देता, आपको लिखना है K2Cr2O7 रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO3 एंड इट गिव्स क्या दे रहा है? क्रोमियम 3 आयन, क्रोमियम 3 आयन का मतलब हुआ Cr3+ एंड सल्फेट आयन, सल्फेट आयन होता है SO4-2, सल्फेट आयन क्या होता है? SO4-2। तो हमें थोड़े से आयन्स पता होने चाहिए। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले आपको एक लिस्ट दे देता हूं, पहले ये क्वेश्चन खत्म करने के बाद ही मैं आपको एक लिस्ट देता हूं, थोड़े से ऐसे आयन जो बार बार आपको पूछे जाते हैं, ये आपको दिया है, और इसके अंदर आपको पहले तो स्पेक्टेटर आयन निकालना पड़ेगा। इसके अंदर स्पेक्टेटर आयन आपके पास है पोटेशियम एंड सोडियम, याद रखना ग्रुप वन के जितने भी आयन आते हैं वो स्पेक्टेटर होते हैं, तो रिमूविंग स्पेक्टेटर आयन आपको करना क्या है, रिमूविंग स्पेक्टेटर आयन, और आपको एक इक्वेशन लिखनी है, और वो इक्वेशन ऐसी है, जरा देखेंगे, यहां से मैं 2K निकाल दूंगा तो आपके पास बच जाएगा Cr2O7-2 प्लस यहां पे बच जाएगा SO3-2 Cr3+ एंड SO4-2। क्या आपको यहां तक समझ में आया? तो आप लोग लिखोगे हाँ, बाकी लिखोगे ना। अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चन तो आप मुझे पूछोगे। शिवम प्लीज रिपीट मत बोलिए, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया आप मुझे बोलोगे। That's really bad. नेट चला गया था, कहां तक थे आप? अब माइक ऑन कीजिए। सर आपने स्टार्ट किया ना वहां से, पता नहीं मतलब नेट चला गया था। स्टार्ट किया अभी अभी आप अजीब चीज हो जाती है, स्टार्ट मतलब कहां, कौन सी चीज स्टार्ट किया? सर K2Cr7 लिखा वहां तक दिखाई दे रहा था, बाकी से बराबर है। हमेशा ग्रुप वन स्पेक्टेटर है, मतलब K2 और Na2 वो दोनों निकल जाएंगे, बिकॉज वो दोनों क्या है स्पेक्टेटर, तो वो दोनों निकाल दिए तो आपके पास मिला Cr2O7-2 SO3-2 Cr3+ SO4-2 बराबर है शिवम। अभी ये एक बार हमें पता चल गया, फिर देखो टेक्सटबुक में कैसे सॉल्व किया मैं आपको दिखा रहा हूं, उन्होंने भी वो लोग भी यहां तक लेके आए, एंड देन दे सॉल्व इट, देन हमारी मेथड यूज कर लेने की।
क्या आप लोग कर पाओगे इस तरीके से, हाँ या ना, विल यू बी एबल टू डू दिस टाइप ऑफ सम? ये सुनो, क्योंकि ये होमवर्क में है, आपको करना है। मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बता दिया, बाद में आपको आपको ही करना है। आज काफी सारा होमवर्क देने वाला हूं मैं, बाकी के लोग क्यों मना कर रहे हैं, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, खाली तीन लोगों ने जवाब दिया। गाइस से यस और नो, वेयर आर यू? देन व्हाई डू आई नीड टू पुश यू? आपको होमवर्क में करना है, दैट्स योर होमवर्क। और इस बार मैं आपको वापस नहीं करवाऊंगा, मैंने सब टाइप के सम करवा चुका हूं, आपको आना ही चाहिए, ओके? और कल की टेस्ट मैं कैंसल नहीं करने वाला हूं, कल की टेस्ट आज तक जितना मैं पढ़ाया वो मैं लेने वाला हूं, ठीक है? देन बाजू में देखते हैं, क्योंकि बाजू में जाने से पहले मैं आपको थोड़े से आयंस लिस्ट करवा देता हूं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर आपको बोला इन्होंने कि सल्फेट आयन, तो सल्फेट हमेशा SO4-2 है। अगर उन्होंने बोला नाइट्रेट आयन, देन NO3-1 है। अगर उन्होंने बोला क्लोराइड आयन, देन Cl-1 है। अगर उन्होंने बोला ब्रोमाइड आयन, देन Br-1 है। अगर इन्होंने बोला क्लोरेट आयन, ClO3-1 है। अगर उन्होंने बोला ब्रोमेट आयन, BrO3-1 है। अगर उन्होंने बोला परमैंगनेट आयन, देन वो है। अगर बोला डाइक्रोमेट आयन, बोला क्रोमियम आयन, तो क्रोमियम की वैलेंसी +3 है, याद रखना। आर यू गेटिंग दैट? इसको पहले लिस्ट कर लीजिए, लिखने के बाद डन बता दीजिए मुझे। ये आपको एक अलग से लिस्ट बनाना है, सम कॉमन आयंस ऐसे करके आप नाम बनाओगे। देन फॉस्फेट, मुझे जितनी याद आती है इतना मैं लिखवा देता हूं। लिख लिया आपने? गुड। ओके, नाउ जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे दिया गया है परमैंगनेट आयन रिएक्ट्स विथ ब्रोमाइड आयन इन बेसिक मीडियम टू गिव मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड ब्रोमेट आयन। तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन लिखना है। देखो परमैंगनेट आयन MnO4- रिएक्ट्स विथ ब्रोमाइड आयन एंड गिव्स मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 एंड ब्रोमेट आयन BrO3-. समझ में आया आपको? देन यू कैन कैरी ऑन विद द सम। आपको आएगा, ये भी होमवर्क है। विल यू बी एबल टू डू यस और नो? ये भी होमवर्क है। लिखते जाना आप लोग, लिखते जाना, मैं आज काफी होमवर्क दे रहा हूं।
ओके नाम जरा ध्यान से समझना। अभी हम जाते हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में मेरे पास यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन दिए गए। पेज नंबर आई थिंक सो आएगा आपके पास 282 में क्वेश्चन नंबर 8.18 एंड क्वेश्चन नंबर 8.19 ये दोनों होमवर्क में है। मतलब चार क्वेश्चन ये और तीन क्वेश्चन ये, चारों तीन सात और आगे में दे दिए दो, मतलब नौ होमवर्क में। आपने नोट कर लिया, देन राइट डाउन नोटेड। और ये कंपलसरी करने हैं क्योंकि इसमें से मैं कल एग्जाम में पूछूंगा शायद। चलो बढ़िया है, अगर आपने नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, देन आगे कंटिन्यू करेंगे हम। अभी ये जो है ना आपकी बुक के अंदर और एक मेथड है, दैट इज कॉल्ड हाफ रिएक्शन मेथड। जितने भी न्यूमेरिकल हमने ये मेथड से किए उसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बोलते हैं, वैसे और एक मेथड है दैट इज कॉल्ड हाफ रिएक्शन मेथड। कैन यू सी दिस हाफ रिएक्शन मेथड ओवर हियर? सो आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे हाफ रिएक्शन मेथड। कल की एग्जाम में हाफ रिएक्शन मेथड में नहीं पूछने वाला हूं, लेकिन आपको एग्जाम में पूछ सकते हो स्कूल की एग्जाम में। अभी क्या होगा मालूम है, ये 11th एग्जाम है, स्कूल एग्जाम है, सो सर्टेन स्कूल्स में आपको पूछेंगे, सर्टेन स्कूल में तो हाफ रिएक्शन मेथड करवाएंगे भी नहीं, सर्टेन स्कूल में खाली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करवाएंगे, सर्टेन स्कूल में खाली हाफ रिएक्शन करवाएंगे। कई बार एग्जाम में आपको दोनों मेथड के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्पेसिफिकली बोलेंगे ये मेथड से ही सॉल्व कीजिए। कई बार एग्जाम में आपको आपकी मर्जी से कोई भी मेथड यूज करो वैसा पूछते हैं। सो आई एम गोइंग टू टीच यू बोथ दिस बोथ टाइप ऑफ मेथड्स। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज मेरे पास अलग अलग स्कूल के बच्चे आते हैं, अलग अलग स्कूल के बच्चे को अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें पूछते हैं। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर जो है वो वन करवा रहा हूँ वापिस। ये वाला क्वेश्चन जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से तो कर लिया है, लेकिन अभी हम करने वाले हैं उसको हाफ रिएक्शन मेथड से। तो हाफ रिएक्शन मेथड से उसको कैसे किया जाए मैं आपको समझा रहा हूँ। हाफ रिएक्शन मेथड जो है वो 7 स्टेप की मेथड है। कितने स्टेप की मेथड है वो? 7 स्टेप। तो देखो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर हम करेंगे सबसे पहले स्टेप नंबर 1। अभी स्टेप नंबर 1 जो है वो सेम स्टेप है जो हम लास्ट मेथड में किया करते थे, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेना है सबका, 7 आएगा, -2 आएगा, आर्सेनिक का +3 है, ऑक्सीजन का -2 है, मैंगनीज का +2 है, आर्सेनिक का 5 है, ऑक्सीजन का -2 है। स्टेप 1 काफी सिंपल है। उसके बाद जो स्टेप 2 है वहां से मेथड चेंज होती है। स्टेप 2 में इस बेसिकली उसको हम लिखेंगे OHR कोमा RHR। OHR का मतलब होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आपको ऊपर वाला जो रिएक्शन है उसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर दोगे, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, एंड देन इन दोनों के बीच में एक लाइन भी लगा दोगे। ऑक्सीडेशन हाफ में हम क्या करने वाले हैं, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैन यू सी आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उन दोनों को हम आर्सेनिक वाले को इस तरीके से लिखेंगे H2O3 से SO4-3 हो रहा है। जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा था मतलब इन दोनों को हमने ऑक्सीडेशन हाफ में लिख लिया। सिमिलरली जिसका रिडक्शन हो रहा था MnO4- से Mn2+ उसको हमने रिडक्शन साइड पे लिख लिया। क्या आपको ये समझ में आया? समझ में आया तो आपको चेकबॉक्स पे क्या लिखना है, यस, अदरवाइज लिखना है नो। सबने यस लिखा, ओके। नाउ स्टेप 3 पे जाएंगे। ये जो स्टेप 3 है ना
हमारी लास्ट मेथड का स्टेप टू है। लास्ट मेथड में हम जो स्टेप टू में करते थे वो अभी हम स्टेप थ्री में करेंगे, बैलेंसिंग एटम। जो लास्ट मेथड में करते थे वही चीज करनी है आपको, जैसे कि आर्सेनिक दो है तो उसको बैलेंस करना जरूरी है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना है जैसे हम लास्ट सम में करते थे, डू नॉट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई देयर ऑक्सीडेशन नंबर आल्सो। MnO4- माइनस के लिए दोनों साइड पे Mn की वैल्यू 1-1 है, इसलिए उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो सीधा आ गया +7+7, बराबर है। देन वील गो फॉर द स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर फोर माफ करना, स्टेप फोर एक्चुअली एडिंग इलेक्ट्रॉन है। मैं यहां पे हिंट लिख रहा हूं स्टेप फोर की, एडिंग इलेक्ट्रॉन। एडिंग इलेक्ट्रॉन में हिंट यह है, एड इलेक्ट्रॉन वेयर ऑक्सीडेशन नंबर इज हाई। अगर आप OHR में देखते हो तो राइट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन नंबर हाई है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे जो सर्कल किया हुआ है, सॉरी सर्कल नहीं, मैंने जो स्क्वायर किया, यहाँ पे रेक्टेंगल किया, हाईलाइट किया, उसमें लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन नंबर हाई है या राइट साइड पे ऑक्सीडेशन नंबर हाई है? लेफ्ट पे हाई है या राइट पे? मैंने जो स्क्वायर किया सर्कल कर रखा है। अच्छा कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है? चार। सो चार बेटा, मुस्तफा पांच नहीं, चार। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ चार ऑक्सीजन को ऐड करेंगे लाइक दिस, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, गलती से ऑक्सीजन बोल चुका हूं, चार इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। समझ में आया तो लिखो यस, बाकी लिखो नो। अच्छा मुझे बताओ इसमें मुझे कहां पे ऐड करना चाहिए, जो मैंने हाईलाइट किया उसमें लेफ्ट पे करना चाहिए या राइट पे करना चाहिए? कितना इलेक्ट्रॉन किस तरफ ऐड करना चाहिए? कितने बेटा? सही बात कर रहे हो आप लोग। तो मुझे यहां पे करना क्या है, MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस Mn2 प्लस। यू गाइस आर डूइंग गुड, फैंटास्टिकली गुड, चलो मजा आ रही है आपको पढ़ाने की मुझे। सो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर फोर, समझ में आ रहा है ना? स्टेप फाइव, बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा आप लोग मुझे एक चीज बताओगे कि OHR पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए एंड RHR पे कितने किए? OHR RHR का दोनों का नाम लिखो, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए OHR एंड RHR पे, सीक्वेंस बताओगे? OHR पे 4 बेटा शिफ्ट दबा के तूने दबा दिया, 4 एंड 5, 4 OHR एंड RHR पे 5। RHR है बेटा हर्षिता, LHR नहीं, RHR, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, OHR एंड RHR बराबर, उन दोनों को बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे हम, LCM, 4 एंड 5 का LCM कितना आता है, 4 एंड 5 का LCM कितना आता है? Absolutely correct. चलो चलो सब लोग लिखो 20। तो इसको 20 करने के लिए मैं पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड आई एम गोइंग टू राइट डाउन 5 is 2O3, 5 2s are 10 is O4, is 2O4, सॉरी मैंने एक गलती करता आ रहा हूं, मैं जरा उसको चेंज कर देता हूं,
इट इज बेसिकली स्टेप टू से मैं गलती कर रहा हूँ, ये AS2O3 नहीं, सही है, मैंने गलत नहीं कहा, 10 ASO4 प्लस 5 4s are 20 इलेक्ट्रॉन, और इस तरफ मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे इक्वेशन को, 4MnO4 माइनस 20 इलेक्ट्रॉन, 4Mn2 प्लस, बराबर है कि नहीं? समझ में आया तो आप लोग लिखोगे हाँ, बाकी लिखोगे ना। यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई भी स्टेप में गलत नहीं समझ में आया तो आप बोलोगे डाउट, कोई भी स्टेप में अब तक के जितने भी स्टेप सिखाए। चलो बढ़िया है, स्टेप 6, स्टेप 6 में हम करेंगे एडिंग बोथ हाफ, दोनों हाफ को ऐड करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, 5 AS2O3 यहां से आया, 4MnO4 माइनस सामने से। अच्छा, मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं किया, क्यों नहीं किया? बिकॉज OHR की राइट हैंड पे 20 इलेक्ट्रॉन है और RHR की लेफ्ट हैंड पे 20 है, तो वो कैंसिल हो जाते, इलेक्ट्रॉन हमेशा कैंसिल हो जाएंगे, हमने उसको बैलेंस कर दिया है, आमने सामने आते, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। और यहाँ पे 10 ASO4 प्लस 4 Mn2 प्लस, क्या आपको ये स्टेप समझ में आया? तो लिखोगे यस, बाकी लिखोगे नो। चलो बढ़िया है, अभी हम क्या करेंगे, माफ करना, इसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास रहेगा स्टेप सेवन। हम क्या करते थे, जो लास्ट मेथड में जो स्टेप करते थे ना, लास्ट फाइनल वही है यहाँ पे, नया स्टेप नहीं है, बैलेंसिंग चार्ज ऑक्सीजन हाइड्रोजन, चार्ज देखते हो इस तरफ माइनस वन एक का है तो -4 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ लोचा मारा था, वो ये था, माइनस चार्ज में नहीं लिखा था, वो अभी लिख देता हूं, 10 3 -30 है, +8 -22 चार्ज है, इस तरफ -4, इस तरफ -22, डिफरेंस है दोनों का 18 का, एसिडिक मीडियम में जहां पे चार्ज लेस है उस तरफ हम ऐड करेंगे, प्लस 18 H प्लस, ऑक्सीजन काउंट करेंगे, इसका 4 4 16 है, इस तरफ 10 4 40 है, अच्छा यहाँ पे सॉरी 5 3 15 प्लस 16 31 और यहाँ पे 40, यहाँ पे 9 H2। ये पूरा मेथड खत्म हुआ, क्या आपको समझ में आया? तो आप लोग लिखोगे अंडरस्टूड, अदरवाइज लिखोगे नो। ओके, आप लोग इसको लिख लीजिए, लिखने के बाद डन बोलिए।
अभी आप लोग क्या करोगे, आप ऐसा एक सम खुद ट्राई करोगे। चलो मैं आपके सामने ये ओपन कर देता हूं, आप लोग है ना इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 3 एक ही बच्चा कर पाएगा, बाकी के लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ यू शुड ट्राई, चलो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए। चलो इवन जो वीडियो देख रहे हो वो भी ट्राई कीजिए क्वेश्चन 3। अच्छा भाई चलो मैं ये सब मैं भी करवा ही देता हूँ, आप लोग कीजिए कोई बात नहीं, करते जाए, मैं करवा रहा हूँ बेटा, डोंट वरी। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन नंबर 3 तो कब का हो चुका है, अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 भी स्टूडेंट को ही करना है एंड दे आर डूइंग गुड। तो वो लोग आई थिंक सो लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं, तो फिर भी मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, जरा देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया गया है तो उसका स्टेप नंबर 1 जो हमारे पास आएगा वो ऐसा आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, इसका 0 है, इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 0 है। स्टेप 2 OHR RHR, मतलब यहाँ पे हम ले लेंगे ऑक्सीडेशन हाफ एंड यहां पे लेंगे रिडक्शन हाफ, और दोनों के बीच में एक लाइन भी ड्रॉ कर देंगे। स्टेप 3 बैलेंसिंग एटम, एटम को बैलेंस, अच्छा ऑक्सीडेशन हाफ मुझे लिखना बाकी रह गया, सॉरी P4 से हो रहा है PO4-3 एंड NO3 माइनस से हो रहा है NO2। देन द नेक्स्ट स्टेप में हुआ हमें बैलेंस करना है तो P4 को तो P4 रखेंगे, बट इस तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 PO4-3, दैट्स व्हाई इट बिकम्स 20 एंड दिस फिलो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी 0 रहेगा एंड दिस साइड यहाँ पे था ये 5 और यहाँ पे NO2 में ये 4 था, वो बैलेंस्ड ही है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। NO2 4 और ये है 5। स्टेप 4 पे एडिंग इलेक्ट्रॉन, P4 0 से, वेरी गुड बेटा, जितने लोग का हो गया उनको वेरी गुड। 2 मिनट रुको मुझे ये पूरा सम करवाने दो, तो क्या है कि जिनका नहीं हो रहा है उनको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, देन वी विल गो टू स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 में हम करते हैं बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे सिंगल है, तो हम लोग करेंगे P4 से 4 PO4-3 + 20 इलेक्ट्रॉन, और इस तरफ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 NO3- + 20 इलेक्ट्रॉन, 20 NO2, एंड देन हम लोग करेंगे यहां पे स्टेप 6 एडिंग बोथ हाफ, सो P4 लेफ्ट हैंड साइड से, 20 NO3- लेफ्ट हैंड साइड से सामने जाएगा, 4 PO4-3
प्लस 20 NO2। चार्ज देखते हैं तो यहाँ पे है माइनस 20 और यहाँ पे है माइनस 12। तो जैसे कि हमने किया था, एसिडिक मीडियम है, चार्ज ऑक्सीजन हाइड्रोजन। सो हम लोग P4 20NO3 माइनस 8H प्लस 4PO4 3 माइनस 20NO2 ऑक्सीजन देखें 23 या 60 है, इस तरफ 4 जा 16 प्लस 20 जा 40 56 है, मतलब 4H2O ये बैलेंस हो गया। क्या आप सबका हो गया? सबका हो गया तो एक बार लिख लीजिए यस, बाकी लिखिए नो। जितने लोग का हो गया वो यस या तो नो लिखिए। वेरी गुड। सबने लिख दिया, सबने यस नहीं लिखा है। अच्छा, अभी जरा ध्यान से समझना, आज के लेक्चर में मुझे आपको इतना ही समझाना था, बट आपको होमवर्क और देना है, जरा ध्यान से देखना। अभी अभी जो होमवर्क दे रहा हो उससे पहले वाला दिया था वो अलग था, अभी ये हाफ रिएक्शन मेथड से दे रहा हूं। अभी कौन सा मेथड दे रहा हूं? हाफ रिएक्शन मेथड। और आप टिक कर लीजिए मैं कौन कौन से क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने जो ये असाइनमेंट आपको दे रखा है ना उसमें से दे रहा हूँ। तो पहले तो आपको करना है सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये हो चुका है जितना मैं सर्कल कर रहा हूँ ना वो हो चुका है, फर्स्ट हो चुका है, थर्ड हो चुका है, फोर्थ हो चुका है। तो आपको करना है 1, 5, 7, 8। याद रखना मैं आपको कोई भी स्पेक्टेटर आयन वाला नहीं दूंगा। आई थिंक ये फिफ्थ में स्पेक्टेटर आयन है, फिफ्थ को छोड़िए। 1, 7, 8 आप लिख रहे हो ना, सॉरी 2, 7, 8। फिर आएगा आपके पास 11, करना है आपको बस। ये आपके हो गए हाफ रिएक्शन मेथड से। टुमारो टेस्ट रहेगी 2:30 को। मेरा आज का टारगेट इतना था पढ़ाने का, आई एम डन विद दैट।